आज का हमारा टॉपिक है कि पाइप टेस्टिंग कैसे करें और क्या कौन तरीका से करें कि हमारा टेस्ट बहुत ही बेहतरीन हो। उसके लिए कौन सा उपाय अपनाएं और कैसे हम बताएं कि प्रेशर मशीन हमारा कैसे चलता है और प्रेशर करने के लिए हमारा क्या क्या करना पड़ता है, उसका सब भी फुल जानकारी मैं आज इस वीडियो द्वारा दूंगा कि प्रेशर मशीन फिट कैसे करें, मीटर कितने। पहले हमारा बाथरूम का जितना भी पॉइंट है, स्प्रे पॉइंट, WC का फ्लश पॉइंट और शावर का पॉइंट, वो सब में हम बूझ कस लेंगे, इन कैप लगा देंगे सील टेप लगा कर। ये हमारा वॉश बेसिन का है पॉइंट, इसमें हम देखिए लगा रहे हैं इन कैप, बूझ भी इसे बोलते हैं, प्लाक भी बोलते हैं। ये हमारा सील टेप प्रॉपर तरह से लगा बेसिन लगाना पड़ेंगे, पॉइंट हम कस रहे हैं अब इसको, इन कैप लगा रहे हैं इसे बूझ भी बोलते हैं, सील टेप कस रहे से हैं। लगा कर ये जो हमारा सभी बाथरूम में आया है मेन कनेक्शन, हार्ट कोर का जो आया है मेन कनेक्शन, उसी का हम इन कैप लगा रहे हैं। जो हमारी राइजर से आया, अभी राइजर में हम जोड़े नहीं हुए, टेस्ट कर उसके बाद हम जोड़ेंगे इस राइजर में। ये जो हमारा WC का स्प्रे पॉइंट होता है, उसमें हम मीटर कसेंगे, कस रहे हैं। देखिए ये हमारा आगे की जो है वो हमारा गेट वाल है, ये हमारा प्रेशर मीटर है और हम इसको 10 kg से ऊपर प्रेशर देंगे। हमारा 10 kg का इंजीनियर का कहना है 10 kg। ये देखिए हम प्रेशर मशीन का वो कस रहे हैं, अब देखिए प्रॉपरली हमारा सभी कनेक्शन हो गया है, सभी टाइट हो चुके हैं पॉइंट। ये देखिए अब हम चालू कर दिए हैं प्रेशर मशीन को, जितनी जल्दी हम चलाएंगे उतने ही जल्दी हमारा प्रेशर ऊपर हो गई। देखिए देखिए जैसे ही हमारा प्रेशर मीटर का जो है 2 kg 6 kg पे गया, तैसे ही हमारा 2-3 जगह लीक हो गया। ये देखिए ये ऊपर के सीलिंग से, फोर सीलिंग से हम लाए हैं ऊपर से। देखिए हमारा जो जोड़ा हुआ मिस्त्री था वो गम लगाना भूल गया था, इधर से एक लीकेज हो गया। एक देखिए बाथरूम के इस बगल गम प्रॉपर तरह से नहीं लगा पाया था, इसलिए उधर भी एक पॉइंट चुप टुप टुप करके चू रहा था, और इसे हम रिपेयरिंग कर रहे हैं। देखिए गम लगा कर अब हम अच्छी तरह से उसको हम एल्बो को ढुकाएंगे कि हमारा फिर से ना लीक हो। इसको हम कमती में 5 मिनट तक इसका अब हम इंतज़ार करेंगे, सूख जाएगा तब उसके बाद होगा। देखिए हमारा रिपेयरिंग हो गया है, 5 मिनट से ज़्यादा हो गया, अब हम फिर से प्रेशर मशीन चालू चला रहे हैं। अब देखिए फिर हमारा केजी ऊपर उठने लगा है, जैसे ही मीटर हमारा 10 kg पे गया फिर एक लीक हो गया। ये देखिए 10 kg पे गया, फिर ये हमारा डायवेटर का जो शावर का डायवेटर जो होता है उसमें हमारा लीकेज पानी फेंकने लगा है। ये देखिए इसमें ये अब हम इसको फिर से पूरा पानी निकालेंगे, उसके बाद उसका रिपेयरिंग करेंगे। ये देखिए हम खोल दिए हैं, डायवेटर से पानी निकल रहा है, अब इसको हम रिपेयरिंग करेंगे कैसे लगाते हैं। ये देखिए अब हम इसको कस रहे हैं, उसमें वार्सल जो रहता है रबर का वो रबर निकल गया था, इसीलिए उससे पानी चू रहा था टुपुक टुपुक करके। अब हम फाइनली फिर एक बार प्रेशर मशीन चलाएंगे, फिर पता लगाएंगे कहीं लीक है कि नहीं। इससे हमारा प्रेशर मशीन से एक फ़ायदा होता है कि चेक करने से कि कहीं भी अगर मिस्त्री ग्लू लगाना या कहीं भी गलती से कम गम लगा है या कहीं भी टूटा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं अगला वीडियो जो भी बनाऊँ किसी का भी बनाऊँ, मैं खास कर प्लम्बर का ही
बनाता हूँ।